हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली वेटनरी विजडम। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने स्ट्रॉ और उसके ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ा था, तो उसमें हमने रफेज के बारे में पूरा पढ़ लिया था। क्योंकि एनिमल न्यूट्रिशन में जी सी बनर्जी में पहले चैप्टर में हमने ये देखा कि दो उसमें पार्ट में डिवाइड हो जाता है, कंसनट्रेट और एक रफेज। तो रफेज के बारे में भी, ड्राई रफेज और सक्यूलेंट रफेज जो ग्रीन होता है और ड्राई फोडर होता है, उसके बारे में पढ़ा और उसके सारे हमने जो डिफरेंट क्लासिफिकेशन थे वो पढ़ लिए। अब हम जी सी बनर्जी के अकॉर्डिंग क्योंकि चल रहे हैं, तो अब हम कंसनट्रेट पे आ जाते हैं। तो कंसनट्रेट यूजुअली डिस्क्राइब्ड एज अ फीड और फीड मिक्सचर विच सप्लाइज प्राइमरी न्यूट्रिएंट एट अ हायर लेवल बट कंटेंट लेस देन 18% क्रूड फाइबर। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। कंसनट्रेट क्या होता है? फीड होता है, एक सिंगल फीड हो सकता है या फिर कई सारे फीड का मिक्सचर हो सकता है, जो कि प्राइमरी न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है, बेसिकली प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। और इन न्यूट्रिएंट की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, हायर लेवल पर होती है। और इनके अंदर क्रूड फाइबर जो होता है, जो रफेज के अंदर 18% से ज़्यादा होता है, वो कंसनट्रेट के अंदर 18% से कम होता है। और इसके अंदर मॉइस्चर भी उसके मुकाबले कम रहता है। जो फॉडर हम यूज़ करते हैं, सकुलेंट फॉडर, उसके मुकाबले मॉइस्चर भी कम रहता है। मतलब 90% तक इसमें ड्राई मैटर रहेगा, ये 10% मॉइस्चर रहेगा और क्रूड फाइबर कम होगा और न्यूट्रिएंट डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो ये कंसनट्रेट की डेफिनेशन है। बेसिकली जनरली क्या होता है, कंसनट्रेट के अंदर जो नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट है, जो मतलब इसका कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च वगैरह और TDN है, ये ज़्यादा होता है और क्रूड फाइबर इसमें कम रहता है। तो क्रूड प्रोटीन के बेसिस के ऊपर ड्राई कंसनट्रेट को फिर दो भागों में डिवाइड किया जाता है। तो कंसनट्रेट को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, एनर्जी रिच कंसनट्रेट पहला, दूसरा होता है प्रोटीन रिच कंसनट्रेट। तो अगर 18% से प्रोटीन कम है तो उसे एनर्जी रिच कंसनट्रेट कहा जाता है, अगर 18% से प्रोटीन ज़्यादा है तो उसे प्रोटीन रिच कंसनट्रेट कहते हैं। तो पहले एनर्जी रिच कंसनट्रेट के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, जैसे ग्रेन और उसके सीड्स, दूसरा क्या होता है मिल बाय प्रोडक्ट्स, तीसरा मोलेसेस और चौथा रूट्स। ये एनर्जी रिच कंसनट्रेट में काउंट होते हैं। तो चार चीज़ें आती हैं इसमें, एक ग्रेन और सीड्स आते हैं, फिर मिल बाय प्रोडक्ट्स आते हैं, मोलेसेस आता है और फिर रूट्स आते हैं। रूट्स के बारे में बता चुका हूँ, शलजम, मूली, गाजर या वो टैपियोका, आलू, शकरकंदी। टैपियोका मतलब वो कसावा भी कहते हैं उसे, ये साबूदाना जिससे बनता है। तो ये सब चीज़ें एनर्जी रिच कंसनट्रेट में आती हैं। तो ग्रेन और सीड से शुरू करते हैं। ग्रेन्स बेसिकली सीड ही होते हैं, बीज होते हैं सीरियल प्लांट्स के। सीरियल प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं उन्हें ग्रेन्स कहा जाता है इसमें। और ये बेसिकली ग्रामिनी फैमिली में आते हैं, ये ग्रास फैमिली होती है और इसे ग्रामिनी फैमिली कहा जाता है। तो सीरियल जो ग्रेन्स होते हैं इसके अंदर बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स भरा रहता है, खूब सारा कार्बोहाइड्रेट होता है और यही इसका जो ड्राई मैटर होता है उसका मेन कंपोनेंट होता है। और इसे स्टार्च भी कहते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट कई सारी फॉर्म्स में मिलता है, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, स्टार्च, शुगर, है ना। तो एक फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट की, स्टार्च। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर आपको कोई चीज़ें टेक्निकली समझ में ना आए तो आप उन्हें रट लें, अभी मतलब कहीं नोट कर लें और रट लें। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, कुछ पॉइंट्स होते हैं, टेक्निकल टर्म्स होती हैं, तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दिया करें। तो ऐसा करेंगे कि जो अगर एक लिस्ट बड़ी बन जाती है तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो हम बना लेंगे। तो जो टेक्निकल टर्म्स ऐसी हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही हैं, उन्हें आप या तो गूगल कर लें और नहीं है तो फिर उस पर भी हम एक वीडियो बना सकते हैं। तो जितने भी सीरियल क्रॉप्स होते हैं, तो हम ये पढ़ रहे थे पहले कि स्टार्च जो होता है वो मेन कंपोनेंट होता है ग्रेन सीड्स का, और ये एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है और ये बहुत जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है, मतलब जैसे ही अंदर जाता है। तो ये जो स्टार्च होता है ये बीज के एंडोस्पर्म, एक पार्ट होता है बीज का, उसके अंदर कंसनट्रेटेड रहता है। जितने भी सीरियल क्रॉप्स होते हैं वो एनुअल होते हैं, मतलब साल में एक ही बार उगाए जाते हैं और ये खरीफ सीज़न में बेसिकली इन्हें उगाया जाता है। तो ये यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि सीरियल क्रॉप्स आर खरीफ क्रॉप्स, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन आ सकता है, तो इसे याद रखिए आप। तो क्रूड प्रोटीन कंटेंट ऑफ ग्रेन्स एंड सीड वेरी बिटवीन 8 से 12% के बीच में इसका क्रूड प्रोटीन होता है सीड्स का या ग्रेन्स का, और इनके अंदर लाइसिन और मिथियोनिन की डेफिशिएंसी होती है, याद रखने वाला पॉइंट है। इसके बाद ऑयल भी कम रहता है,
स्टार्च एंडोस्पर्म में प्रेजेंट रहता है, स्टार्च इज़ प्रेजेंट इन एंडोस्पर्म, ये बात याद रखिए। और जो ऑयल होता है ग्रेन का वो प्रेजेंट रहता है एम्ब्रियो के अंदर, ठीक है। ग्रेन बेसिकली क्या है, जैसे चावल है या फिर आपका गेहूं है, जई है, मक्का है, ये सब ग्रेन्स कहलाते हैं, ठीक है। और ऑयल प्रेजेंट रहता है एम्ब्रियो में। तो हाईएस्ट जो ऑयल कंटेंट होता है वो ओट्स के अंदर पाया जाता है ग्रेन्स में, और लोएस्ट ऑयल कंटेंट 1-2%, ओट्स के अंदर 4-6% रहता है और वीट के अंदर 1-2% रहता है। जो सीरियल ऑयल्स होते हैं, जैसे कॉर्न ऑयल के बारे में आपने सुना होगा, कॉर्न ऑयल होता है तो वो मक्का से जो तेल निकलता है उसे कॉर्न ऑयल कहते हैं। तो सीरियल ऑयल्स जो हैं इनके अंदर अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होता है, मतलब तेल की तरह निकलता है, वैसा फैट नहीं निकलता, घी जैसा नहीं होता है वो, तो अनसेचुरेटेड फैट होता है इसके, मतलब जो ऑयल्स होते हैं। और मेन फैटी एसिड जो होते हैं वो लिनोलेइक और ओलेइक एसिड होते हैं सीरियल के अंदर। तो ये मतलब काफ़ी सारा डाटा हो रहा है इकट्ठा यहाँ पर, इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसी वजह से जो सीरियल होते हैं ना ये रेंसिड हो जाते हैं, मतलब अगर आप इन्हें थोड़े टाइम के लिए रखेंगे तो इनके अंदर से एक अजीब सा एक वो हो जाएगा, क्योंकि इनके जो फैट होता है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। और अगर ज़्यादा मात्रा में ये ग्रेन्स खिलाए जाते हैं तो ये सॉफ्ट बॉडी फैट प्रोड्यूस करता है नॉन रिमिनेंट्स के अंदर, मतलब पोल्ट्री वगैरह के अंदर अगर आप इसे खिलाएंगे तो ये ग्रेन्स सॉफ्ट बॉडी फैट, आपने देखा होगा कि जो मुर्गी के अंदर का फैट होता है बहुत सॉफ्ट रहता है, तो सॉफ्ट बॉडी फैट प्रोड्यूस करता है सीरियल्स का ऑयल। द क्रूड फाइबर कंटेंट जो होता है इसके अंदर वो हार्वेस्टेड ग्रेन के अंदर वो सबसे ज़्यादा ओट्स के अंदर होता है, ऑयल भी ओट्स के अंदर सबसे ज़्यादा होता है और क्रूड फाइबर भी ओट्स के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। और नेकेड जो ग्रेन्स होती हैं जैसे मक्का वीट वगैरह है, इनके अंदर क्रूड फाइबर सबसे कम होता है, ठीक है। तो चावल की जो कवरिंग है, ये चावल का एक तरीके से आप देख सकते हैं डायग्राम है चावल के ग्रेन का, तो यहाँ पर आप ये देखिए, ये जो प्ली मैं कह रहा था ये है, मतलब इसकी बेसिकली कवरिंग है, जो भी क्रूड फाइबर होता है इसके अंदर होता है। जब इसे निकाल देते हैं हम इसकी थ्रेशिंग से और इसके बाद इसके ऊपर का ब्रान वगैरह रिमूव कर देते हैं, राइस ब्रान जिसे कहते हैं, तो हम जो चावल देखते हैं ना सफ़ेद वाला, वो बेसिकली बिल्कुल उसके ऊपर से सारी पॉलिशिंग वगैरह उतार दी जाती है, तो हमारे तक तो वो बिल्कुल फाइन फॉर्म में पहुंचता है बिल्कुल उसके ऊपर से सब कुछ उतार के। लेकिन जो कुदरती तौर पे हमें बाहर से मिलता है उसके ऊपर पहले हस्क होता है, ठीक है, जिसे ये प्ली कहा जाता है। फिर ये एंडोस्पर्म है, स्टार्ची एंडोस्पर्म है, इसके अंदर स्टार्च भरा रहता है। फिर ये एलुरोन लेयर होती है, पेरिकार्प होता है, ठीक है। हल का मतलब राइस हस, जो लीटर के तौर पे आप इस्तेमाल करते हैं ना पोल्ट्री में, वो यहाँ से निकलता है। फिर ये एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के अंदर तेल रहता है इसमें बेसिकली। तो ये चावल का एक तरीके से डायग्राम था। सीरियल्स के अंदर विटामिन डी नहीं होता है, कैल्शियम भी काफ़ी कम होता है, 0.15% तक रहता है, लेकिन फॉस्फोरस का कंटेंट सीरियल ग्रेन्स के अंदर अच्छा रहता है, 0.3-0.5%, और विटामिन ई भी प्रेजेंट रहता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे भी आ सकता है कि सीरियल्स आर डेफिशिएंट इन विच विटामिन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन सी, कुछ भी आ सकता है, तो आपको वहाँ पे विटामिन डी को आंसर करना होगा। और कैल्शियम डेफिशिएंट होते हैं सीरियल, और फास्फोरस रिच होते हैं, मतलब फास्फोरस ज़्यादा होता है, कैल्शियम कम होता है, विटामिन ई भी सीरियल्स के अंदर ज़्यादा होता है। तो कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं इनहेरेंट जो ग्रेन के यूज़ करने से आती हैं, जैसे ग्रेन्स आर सबसे ज़्यादा कॉस्टली होती हैं, ग्रेन्स को मतलब यूज़ करना काफ़ी कॉस्टली है। अब देख सकते हैं आप, गेहूँ 20 रुपये किलो है इस टाइम, मक्का 24 रुपये किलो है। और दूसरी चीज़ क्या होती है, ग्रेन्स को यूज़ करने से पहले प्रोसेस करना पड़ता है तो उसमें भी खर्चा होता है, कैल्शियम विटामिन्स वगैरह की कमी रहती है। अगर रूमिनेंट्स के अंदर, गाय भैंस भेड़ बकरियों के अंदर ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करेंगे तो डाइजेस्टिव डिस्टरबेंस भी करते हैं, जैसे एसिडोसिस, पैराकिडाटोसिस, और जो र्यूमन की इपिथीलियम होती है ना, जहाँ से इसे वो किया जाता है, जहाँ से ये एक तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं, र्यूमन इपिथीलिया कहा जाता है, ये र्यूमन की इपिथीलियम होती है, तो इसमें पैराकिडाटोसिस हो जाता है ज़्यादा ग्रेन खिलाने से, अगर उसे बफर नहीं करेंगे प्रॉपर
और ग्रेन ज़्यादा खिलाते रहेंगे तो अंदर एसिड बनता रहेगा, वो इसे घिस देता है इसकी बॉल को, तो यहाँ से VFA का एब्जॉर्ब होना, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्ब होना कम हो जाता है। तो ये भी कोई अच्छी चीज़ इसमें नहीं है। तो ये ग्रेन्स के बारे में हमने पढ़ा, तो फिर देख लेते हैं यहाँ पर एनर्जी रिच के कंसंट्रेट के चार पार्ट होते हैं, पहला ग्रेन्स और सीड, दूसरा मिल बाय प्रोडक्ट, तीसरा मोलेसिस और चौथा रूट्स। तो ग्रेन्स तक के बारे में हमने इसमें यहाँ पर पढ़ लिया। अब कौन सी ग्रेन्स होती हैं इसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे कि मेज़ के बारे में, और फिर बार्ले, ओट्स और सॉर्गम, बाजरा, ये हैं। फिर मिल्क बाय प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं, फिर उससे अगली वीडियो में वो सब देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।